नमस्कार, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सीडब्ल्यूसी की बैठक में बगावती खत को लेकर भड़के राहुल, सोनिया गांधी का अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सदस्यों से कहा कि उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से मुक्त कर दें और पार्टी को संकट से उभारने के लिए प्रयास करें। साथ ही बैठक में सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी को लेकर चर्चा जारी है। कई वरिष्ठ नेताओं ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की है। इससे पहले पार्टी मुख्यालय के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और गांधी परिवार से ही किसी को अध्यक्ष बनाने की मांग की। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें उन्होंने बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। सिब्बल ने कहा कि राजस्थान उच्च न्यायालय में कांग्रेस पार्टी का बचाव किया। पिछले 30 सालों ने कभी भी किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया, फिर भी हम भाजपा से मिले हुए हैं। सीरम इंडिया ने 73 दिन में कोरोना वैक्सीन लॉन्च होने के दावे को बताया गलत, कहा कंपनी खुद करेगी घोषणा। कोविड 19 से लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं कि दिन रात बेसब्री से कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इस बीच पता चला कि 73 दिन के भीतर पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपनी कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बाजार में उतार देगी और मुफ्त में वैक्सीन शुरू हो जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ने इस दावे को झूठा करार देते हुए साफ किया है कि भारत सरकार ने उसे केवल कोविड शील्ड के उत्पादन और स्टॉक तैयार करने की अनुमति दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा कि कोविड शील्ड की उपलब्धता को लेकर मीडिया में चल रहे दावे खुद से मान लिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कोरोना महामारी के बावजूद समय पर होंगे बिहार विधानसभा चुनाव। कोविड 19 महामारी के बावजूद इस साल प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव समय पर होंगे। निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने 23 अगस्त रविवार को ये जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि कुछ राजनीतिक दल महामारी के चलते चुनाव स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में मेट्रो चलनी चाहिए। केंद्र सरकार से हमने बात की है, उम्मीद है कि इस बार मेट्रो का परिचालन शुरू हो जाएगा। संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों की तरफ से मेट्रो चलाने की मांग के बाद केजरीवाल ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि मैं भी मेट्रो चलाने के पक्ष में हूँ। मेट्रो ने भी इसके बाद बयान जारी करके कहा कि सरकार जब भी कहे वह परिचालन के लिए बिल्कुल तैयार है। तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया। हाईकोर्ट बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने कहा है कि इस साल मार्च में दिल्ली में तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में भाग लेने वाले विदेशी नागरिकों को बलि का बकरा बनाया गया है और उन पर आरोप लगाया गया है कि देश में कोविड-19 को फैलाने के लिए वह जिम्मेदार थे। न्यायमूर्ति टीवी नलवाडे और न्यायमूर्ति एमजी सेवेलकर की खंडपीठ ने 29 विदेशियों के खिलाफ दायर प्राथमिकियों को खारिज करते हुए 21 अगस्त को ये टिप्पणी की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आगरा में 5 साल के एक बच्चे की कथित तौर पर भूख और बीमारी से हुई मौत मामले में मीडिया में छपी खबरों के आधार पर संज्ञान लेते हुए 23 अगस्त रविवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। आयोग ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को भेजे नोटिस में 4 हफ्ते में प्रशासन की ओर से पीड़ित परिवार के पुनर्वास और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के मामले में रिपोर्ट देने को कहा है। जेईई और नीट परीक्षाओं पर केंद्र से बोले राहुल गांधी, छात्रों की भी मन की बात सुने। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को छात्रों की मन की बात सुनते हुए जेईई और नीट की परीक्षाओं को रोकने की अपील की है। राहुल गांधी ने कहा, आज हमारे लाखों छात्र सरकार से कुछ कह रहे हैं, नीट जेईई परीक्षा के बारे में उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को एक सार्थक हल निकालना चाहिए। कोमा में है उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन, बहन संभाल सकती है पद। रिपोर्ट्स। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन कोमा में है और उनकी बहन किम यो जोंग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामले को संभालने की तैयारी कर रही हैं। दक्षिण कोरिया के दिवंगत नेता किम डे जंग के पूर्व सहयोगी ने किम जोंग को कोमा में जाने की बात को लेकर एक पोस्ट किया है। जोंग सॉन्ग मीन ने सोशल मीडिया पर कथित तौर पर दावा किया है कि उत्तर कोरिया का कोई भी नेता अपनी शक्ति और अधिकार किसी दूसरे नेता को तब तक नहीं सौंपेगा जब तक वह शासन के लिए बहुत बीमार ना हो या उसे तख्ता पलट के माध्यम से ना हटा दिया गया हो। सीडीएस बिपिन रावत बोले, चीन के साथ अगर फेल हुई बातचीत तो सैन्य विकल्प मौजूद। भारत लगातार चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने के प्रयासों में लगा हुआ है।
लेकिन वह अपनी संप्रभुता से समझौता करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि लद्दाख में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए गए बदलावों से निपटने के लिए एक सैन्य विकल्प मौजूद है। केवल दो देशों की सेनाओं के बीच बातचीत होने पर उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा, वरना राजनीतिक विकल्प अधूरा है। नवाज शरीफ भगोड़ा घोषित। पाकिस्तान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया है। उनके प्रत्यर्पण के लिए इमरान सरकार ने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया है। वे इलाज के लिए अभी लंदन में हैं। जवाबदेही एवं आंतरिक मामलों पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के सलाहकार शहजाद अकबर ने कहा कि मेडिकल आधार पर शरीफ की 4 हफ्तों की जमानत की अवधि पिछले साल दिसंबर में समाप्त हो गई। अकबर के हवाले से डॉन न्यूज ने शनिवार को बताया कि सरकार शरीफ को एक भगोड़ा मान रही है और उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार को एक अनुरोध भेजा जा चुका है। बता दें कि भ्रष्टाचार के एक मामले में शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने कैद की सजा सुनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप की बहन ने कहा, मेरा भाई झूठा और धोखेबाज है। एक खुफिया रिकॉर्डिंग में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बहन और पूर्व फेडरल जज मैरियन ट्रंप पेरी ने अपने भाई को झूठा बताया है। इसमें वे कह रही हैं कि उनका भाई का कोई सिद्धांत नहीं है। ट्रंप की बहन की ये टिप्पणी उनकी भतीजी मैरी ट्रंप ने रिकॉर्ड की थी। मैरी ट्रंप ने ही पिछले महीने एक किताब प्रकाशित की थी जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप की कड़ी आलोचना की गई थी। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर सकलैन मुश्ताक बोले, धोनी को अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, ये बीसीसीआई की हार है। पाकिस्तान के पूर्व ऑफ स्पिनर सकलैन मुश्ताक का मानना है कि बीसीसीआई ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ सही व्यवहार नहीं किया। सकलैन ने कहा कि धोनी जिस तरह के खिलाड़ी रहे हैं, बिना फेयरवेल मैच के उनका संन्यास नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान के सबसे सफल स्पिन गेंदबाजों में से एक रहे सकलैन ने कहा कि धोनी के लाखों फैंस रिटायरमेंट से पहले उन्हें ब्लू जर्सी में खेलते हुए देखना चाहते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।